मसूद पर चीन के वीटो से यूएनएससी के सदस्य देश नाराज, कहा करेंगे दूसरे विकल्प पर विचार। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पाकिस्तान को दो टूक, बोली इमरान खान इतने उदार हैं तो मसूद अजहर को करें भारत के हवाले। दो महीने में भाजपा करेगी 1000 से अधिक सभाएं, अकेले मोदी की होंगी 200 रैलियां, कांग्रेस के 50 साल के काम पर होगा निशाना। ममता बनर्जी की पीएम मोदी को चुनौती, कहा हिम्मत है तो बंगाल से लड़े चुनाव। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना, कहा प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से डर गए हैं। चीन जब भी भारत के खिलाफ कुछ गलत कदम उठाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साध लेते हैं। राहुल गांधी को बीजेपी का जवाब, कहा आपके ग्रेट ग्रैंडफादर ने ही चीन को तोहफे में दी थी यूएनएससी सीट। बीएसपी अब अमेठी व रायबरेली से भी गठबंधन प्रत्याशी उतारने के विचार में, मायावती से मिले अखिलेश यादव। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद का ऐलान, कहा पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से लड़ूंगा चुनाव। अमिताभ बच्चन ने पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर किया रिप्लाई, लिखा लोकतंत्र का पवित्र ग्रंथ है संविधान।